सर्दियों के सीजन में दिसंबर जनवरी के महीनों में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। ऐसे में बीते कुछ दिनों से देश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। अधिक सर्दी की वजह से लोग कांपने लगते हैं। तेजी से गिरता तापमान लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है। वहीं सर्दियां आते ही हमारी इम्यूनिटी काफी कमजोर होने लगती है, जिसके चलते शरीर आसानी से किसी भी बीमारी के चपेट में आ जाता है। सर्दियों में सबसे पहले तो सर्दी जुखाम से लेकर वायरल फीवर होने तक का खतरा अधिक होता है। इसलिए बढ़ती ठंड में खुद का ख्याल रखने के लिए आप कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो आइए जानें सर्दी के मौसम में खुद को सेहतमंद रखने वाली खास बातें। ठंड के मौसम में हमारे शरीर की इम्यूनिटी काफी कमजोर हो जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करें, जैसे अंडे, गुड़, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, अदरक, हल्दी, मेथी और खजूर आदि का सेवन करें। दूसरी बात, ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग नहाने से कतराते हैं, क्योंकि ठंड में नॉर्मल या फिर ठंडे पानी से नहाना आपकी तबीयत खराब कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप गर्म पानी से ही नहाएं। ध्यान रखें हल्के गर्म पानी से ही नहाएं। इस तरह आप खुद को भीषण ठंड से बचा सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात, ठंड के मौसम में रात में अधिक प्यास लगती है, वहीं दिन के समय में कम प्यास लगती है, जिसकी वजह से शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसा करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठंडियों में भी शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी ज़रूर पिए, लेकिन ठंड पानी की जगह आप गर्म पानी पिए। इससे कई तरह के फायदे भी होंगे। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।